सरकार के दहेज बंदी कानून के बावजूद एक और युक्ति दहेज दानवों की भेंट चढ़ गई। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बड़ियाई वार्ड नंबर 6 की है, जहां बीती रात संदिग्ध अवस्था में 90 विधायिता का सब उसी के घर में फंदे पर लटका मिला। पड़ोसियों की सूचना के बाद माता पिता बेटी के ससुराल आए और बेटी का हत्या का आरोप ससुराल वाले और उसके पति पर लगाया। परिजनों की माने तो 1.5 साल पूर्व बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, 4 लाख रुपया और अपाची बाइक भी दिया था, फिर भी लगातार पैसे की मांग की जा रही थी, जिस कारण वो मायके में ही रहती थी। कुछ दिन पूर्व ही उसकी विदाई करके उसकी पति ले गए थे और आज उसकी मौत की सूचना आई। घटना के बाद ससुराल के सभी व्यक्ति फरार बताए जा रहे हैं। मधेपुरा से सिटी हलचल के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। घटना घटले आज 4 लाख टका का एगो अपाची गाड़ी दलिए, सब दिन लड़ाई झगड़ा करे रे, फिर 1 लाख टका मांगे रे, तो लड़ाई झगड़ा करके मार पीट करके दे गले, लहर आ गले, वते गले तो वते हमार समधी जी गले वते विदाय करे ले, लाबे ले जाय ले दियो, लड़ाई झगड़ा वही ना होइ छे, तब हम विदाय कर दलिए, छोटका नुनू के संग लगा दिलिए, एकरा मार पीट के भगा दिलके, रात बंगाल आग मेट के मार दिलके। 1 साल के नुनू छे लड़की, की नाम भेल अपने? बबीता देवी। खुशबू कुमारी। चरित्र मंडल के हुआ आपका? समधी। बोलो। और उसके बाद 1 लाख रुपया बच गया उसका, उसी दरमियान में लड़ाई झगड़ा करके मतलब वहाँ मारपीट यहाँ किया, और उसके बाद वहाँ मतलब मेरी लड़की जो है वहाँ चला गया, उसके बाद जो है वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके उस मतलब मेरा समधी और वहाँ से मतलब जो है ले आया यहाँ पे रात को जो है गला दबा करके उसको मार दिया। संजीव मंडल दमाद हुआ क्या? दमाद। आपका नाम? रमेश मंडल। घर? गंगापुर।